डियर स्टूडेंट्स, मैं आज एक नया टॉपिक सस्पेंशन सिस्टम के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। सस्पेंशन सिस्टम होता क्या है या फिर ये यूज क्यों होता है। सस्पेंशन सिस्टम इसलिए यूज होता है क्योंकि जब कभी कभी हम जैसे देखते होंगे गाड़ी चलाते हैं तो फिर उसमें कहते हैं बहुत ऊपर नीचे ज़मीन होने की वजह से बहुत गाड़ी कूदती है, या फिर उसमें कह सकते हैं वाइब्रेशन होता है। जैसे आप कभी ट्रैक्टर बैठे हों, देखिए कितना वो जंप करता है, थोड़ी सी भी अनइवन होती है जंप करता है, क्योंकि उसमें सस्पेंशन सिस्टम होता ही नहीं है ट्रैक्टर में। लेकिन और सब गाड़ियों में देखिए, कार में देखिए, बाइक में देखिए, उन सब में क्या होता है, आप ऊंची नीची सड़क हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीन्स जो अनइवन, जो सड़क की अनइवननेस होती है उसको वो कंट्रोल कर लेता है, अपने में ही एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें क्या लिखा है, सिंस द सस्पेंशन सिस्टम एम्प्लॉय मेनी स्प्रिंग्स एंड डैम्पर्स, द डैम्पर्स आर कॉमनली नेम्ड एज शॉक अब्जॉर्बर्स। सो ऑटोमोबाइल सस्पेंशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनली टू अरेंजमेंट्स, स्प्रिंग्स एंड शॉक अब्जॉर्बर्स। ये हर सिस्टम में लगा होता है। आप बाइक में भी देखिए, स्प्रिंग भी दिखेगी, उसके बाद फिर इसमें डैम्पर भी लगा होता है। आप पहले तो नहीं लगा होता था, लेकिन अब डैम्पर भी लगा होता है। वो क्या करता है, क्योंकि स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग बहुत जल्दी अगर ऊपर नीचे जाती है, अगर आप एक बार दबा दिए तो बार बार ऊपर नीचे जाएगी, लेकिन डैम्पर्स क्या करता है उसको तो फ्रिक्वेंटली ऊपर नीचे जाने से पहले स्प्रिंग ऐसे ऐसे जा रही थी, अब क्या करता है वो डैम्पर लगाने से क्या होता है, वो स्प्रिंग जाने की कोशिश भी करेगी बहुत तेज़ी से नहीं जा पाएगी, तो वो एक तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। वो हमारे लिए डिजायरेबल है। ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्पेंशन सिस्टम इसमें लिखा है, इट प्रोवाइड्स कंफर्टेबल राइडिंग, इट रिड्यूसेस द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑन वेरियस पार्ट्स, क्योंकि ज़्यादा किसी भी पार्ट्स पे झटका लगेगा, चाहे गाड़ी का हो चाहे इसका हो, तो जल्दी ख़राब होता है। इट इन्हांसेस द लाइफ ऑफ व्हीकल आर कंपोनेंट, इट मेंटेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ मूविंग व्हीकल्स, गाड़ी की स्टेबिलिटी बनी रहती है, क्योंकि गाड़ी में अगर जितने ज़्यादा वाइब्रेशन या फिर इधर उधर गाड़ी मूव करेगी उतने ज़्यादा अनस्टेबल होगी। उसके बाद हम इसमें आपको बताना चाहते हैं एक चीज, एक डिफिनेशन और आती है, स्प्रंग बेट एंड अनस्प्रंग बेट। स्प्रंग बेट देखिए, इसमें स्प्रंग बेट एक्चुअली हम डायरेक्टली बता सकते, स्प्रंग बेट क्या है, स्प्रंग बेट मींस बेट दैट आर अबव द सस्पेंशन सिस्टम इज कॉल्ड स्प्रंग बेट, सच एज फ्रेम बॉडी इंजन और फ्रेंड बॉडी एंड इंजन, एंड द बेट ऑफ पार्ट्स दैट आर बिलो द सस्पेंशन सिस्टम इज कॉल्ड अनस्प्रंग बेट। अनस्प्रंग बेट मीन्स जो सस्पेंशन सिस्टम के नीचे वाला पार्ट है, चाहे पहिया हो चाहे एक्सिल हो, वो सब अनस्प्रंग पार्ट है, सच एज रियर एक्सिल असेंबली, व्हील, टायर्स। अनस्प्रंग बेट शुड बी मिनिमम फॉर कंफर्टेबल राइड, मतलब अनस्प्रंग बेट हमारे लिए अगर कंफर्टेबल राइड करना है तो उसके लिए कम होना चाहिए। सॉफ्ट सस्पेंशन आप क्या कह सकते हैं, ये सस्पेंशन इज के बी सॉफ्ट व्हेन द रोड व्हील्स बाउंस टू मच इवन फॉर स्मॉलर शॉक्स, मींस इट प्रोवाइड्स ग्रेटर कंफर्ट, हाउएवर टू सॉफ्ट सस्पेंशन सिस्टम इज अनडिजायर्ड ड्यू टू पुअर कॉन्टैक्ट बिटवीन रोड व्हील्स, आल्सो रिड्यूस ड्राइविंग एंड बेयरिंग टॉर्क। अब देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम, अब देखिए टाइप्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम, सबसे पहले है टाइप्स ऑफ सस्पेंशन स्प्रिंग। इसमें स्प्रिंग में क्या है, लीप स्प्रिंग है, हेलिकल स्प्रिंग है, टॉर्शन बॉर। अब ये सेमी इलेक्ट्रिकल लीप स्प्रिंग आप सब लोगों ने देखा होगा, लीप स्प्रिंग सब गाड़ियों में लगा होता है। आप गाड़ी के नीचे जाके देखेंगे तो इसी तरह की पट्टी होती है, ये जो रेड लाइनें दिखाई दे रही हैं ये थिक, ये पट्टी है लगभग 2 mm, 3 mm की, 4 mm की अलग अलग पट्टी होती है। और ये क्या कर, ये गाड़ी में लगा होता है इससे। अब ये देखिए, ये गाड़ी का फ्रेम होता है, और ये अभी ये जो हम कह रहे हैं ये पट्टी है। उसके बाद इस पट्टी का एक सिरा यहाँ पे लगा होता है, यहाँ वाला सिरा ये गाड़ी के फ्रेम से फिक्स होता है, लेकिन यहाँ वाला सिरा गाड़ी के फ्रेम से फिक्स नहीं होता है, ये एक तरह से पिन जॉइंट होता है, जिससे कि ये जब पहिया ऊपर या नीचे जाएगा, मीन्स पहिया इस तरफ
या इस तरफ, क्योंकि पहिया इसके नीचे लगा होता है, जो ये स्प्रिंग है ये जो है स्प्रिंग ऊपर या नीचे जाती है। जब पहिया ऊपर नीचे जाएगा तो स्प्रिंग ऊपर नीचे जाएगी, मीन्स ऐसे 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 ऊपर नीचे जाएगी, उससे क्या होगा, ये तो फिक्स है, जब ये ऊपर नीचे जा नहीं पाएगा तो ये क्या होगा, इधर और इधर जाएगा, मीन्स अभी फिर से दिखा रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं, ये देख, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं तब सही दिखेगा। अब आप देखिए, ये देखिए स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, लिप कई सारी लिप साथ लगी होती है, नीचे वाली छोटी होती है, उसके बाद ऊपर वाली बड़ी होती जाती है। और ये यहाँ पे पहिया होता है, ये शाफ्ट से कनेक्ट होता है, जब ये पहिया ऊपर नीचे जाएगा तो ये भी ऊपर नीचे, मीन्स इस तरह मोशन इसमें भी थोड़ा बहुत होता है। और ये क्या होता है, जब ये ऊपर नीचे जाएगा तो ये क्योंकि कर्व होता है तो ये फैलता है, मीन्स यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये इधर या इधर मूव करता है, ये इधर इधर मूव करता है, तो वो स्प्रिंग को मूव करने का रास्ता देता है, कुल मिलाकर स्प्रिंग को मूव करने का रास्ता देता है। लेकिन क्योंकि स्प्रिंग की बनावट इसी तरह होती है, जब ये फैलती है तो जो एनर्जी होती है ऊपर नीचे जाने के पहिए की जो एनर्जी होती है उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि लीप स्प्रिंग हमेशा ही इस पोजीशन में रहना चाहेगी। अगर ये थोड़ा सीधी भी हुई है तो तुरंत जैसे ही नीचे से बम फटेगा तुरंत वो स्ट्रेट में आने की कोशिश करेगी, मीन्स अगली स्प्रिंग होती है टेपर्ड लीप स्प्रिंग। टेपर्ड लीप स्प्रिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ढेर सारी स्प्रिंग नहीं लगी होती है, एक ही स्प्रिंग मतलब है कि ये जो है ये इस तरह की होती है। लेकिन इसमें होता क्या है कि बीच में इसका मोटा होता है, मीन्स यहाँ पे मोटा होता है, ये देखिए यहाँ पे मोटा होता है और किनारे किनारे पतला होता है, सेम उसी मैकेनिज्म वही है कि इसमें भी आप कई स्प्रिंग लगा के बीच मोटा करते हैं, इसमें आप एक ही स्प्रिंग लगा के और हम बीच में ही मोटा कर देते हैं, तो हम ज़्यादा स्प्रिंग ना लगाने पड़े उसके लिए भी ये काम कर सकता है। और इसके बाद आता है टॉर्शन बार। टॉर्शन बार भी बहुत सारी गाड़ियों में लगा होता है। देखिए टॉर्शन बार इज ए रॉड ऑफ सॉलिड सर्कुलर और हालो ट्यूब सेक्शन एंड एक्सपीरियंस ए टार्क इन इट्स एक्शन, इट वाइब्रेट्स एंड इट एक्ट्स आर टॉर्शन स्प्रिंग व्हेन रोड व्हील इज जॉल्टेड बाय रोड बम्प। इसमें आप देखिए, इसमें सबसे पहले देखिए, इसको फोटो इधर कर देते हैं, आप ये देखिए, सबसे सिंपल है कैसे काम करता है, ये देखिए ये व्हील है। अगर ये ऊपर की तरफ, अगर रोड पे कोई बम्प आया है तो ये ऊपर की तरफ हल्का सा जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो सीधे इस ये ऊपर की तरफ जाएगा, इससे ये जुड़ा है तो ये वाला पोर्शन है ये भी हल्का सा ऊपर और नीचे जाएगा, तो क्या होगा, जो ऊपर नीचे जाने वाली एनर्जी है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि कोई भी मटेरियल हो, कुछ भी हो, अगर उसको वो डिफार्म हो रहा है तो अपनी स्थिति पे आने की कोशिश दोबारा करता है, मीन्स एक बार तो ऊपर नीचे जाएगा लेकिन जैसे ही बम फटेगा तैसे ही फिर अपनी पोजिशन पर वो आने की कोशिश करेगा। ये तो हो गया, अगर आ गया नीचे बम्प, अगर सामने से बम्प है मीन्स कुछ चढ़ाई करनी है तो क्या हुआ, सामने से बम्प होगा तो क्या होगा कि इसमें जो है पहिया जो है आगे से, मतलब आप परपेंडिकुलर टू द पेपर, आप आगे से जो है इस पर फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ये जो बीम है, ये जो व्हील आर्म है, ये
आप चाहे कहिए कि पेपर से बाहर की तरफ फोर्स लगेगा अगर पीछे से लग रहा है, या फिर पेपर के अंदर की तरफ, मतलब परपेंडिकुलर जो पेपर इस पर फोर्स लगेगा तो क्या हुआ, ये जो है अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा तो इस स्प्रिंग में एक ट्रॉशनल मीन्स इसको घुमाने की कोशिश करेगा, इसको घुमाने की कोशिश करेगा, जैसे ही वो बम फटेगा तैसे ही अपनी पोजिशन फिर आ जाएगा, जैसे ही वो हटेगा तैसे अपनी पोजिशन पर वो फिर आ जाएगा। तो ये भी बहुत सारी गाड़ियों में लगा होता है।